वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे एक चाइल्ड मेल उत्पन्न होती है, एक चाइल्ड फीमेल उत्पन्न होती है, ये आखिर होता कैसे, इसको समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं एक मनुष्य में, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, मतलब अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है वह इस मनुष्य के दैहिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें जो एक विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो जेनेटिक संरचना है, जो जीनोटाइप है, उसके माध्यम से जो फीनोटाइप देखने को मिलेगा वो इसके दैहिक लक्षणों में देखने को मिलेगा, इसके लैंगिक लक्षणों को छोड़कर। ठीक है, जो दैहिक लक्षणों में देखने को मिलेगा फीनोटाइप वो इस इन 22 जोड़ी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो जीन प्रारूप है, उसके कारण हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वह किसी मनुष्य में दैहिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, दैहिक लक्षणों को दर्शाते हैं, दैहिक लक्षणों को दिखाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं वह। और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है, उसमें जो दो क्रोमोसोम होते हैं वह किसी मनुष्य में लिंग और लैंगिक लक्षणों को, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हम अच्छे से समझ लें कि किसी जीव में जो डिप्लॉयड सेल होती है, हमेशा मनुष्य में एक डिप्लॉयड सेल होती है और उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो जिसमें 22 जोड़ी क्रोमोसोम दैहिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक जोड़ी क्रोमोसोम लैंगिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब लिंग निर्धारण करते हैं वह। तो जो 23वां जोड़ा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन गुणसूत्रों में जो 23 गुणसूत्र हैं इनमें से जो 23वां गुणसूत्र है, 23वां गुणसूत्र का जो जोड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी मनुष्य में लिंग निर्धारण में। तो सबसे पहले हम देखें कि एक मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, एक फीमेल में भी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें जो 23वां जोड़ा होता है उसमें यहाँ पर मनुष्य में एक गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम होता है और एक गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम होता है। मतलब ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दो क्रोमोसोम है इसमें। जो 23वां जोड़ा है ना, इसमें जो दो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स है और एक वाई है। जबकि यहाँ पर फीमेल में हम देखते हैं तो 23वें जोड़े में जो क्रोमोसोम होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, उनको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब दोनों ही गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम होते हैं इसके, जो 23वें जोड़े में होते हैं वह। अब इसमें हम देखें कि जब इस कोशिका में ये जो मनुष्य होते हैं इसमें जो जनन कोशिका होती है, जो जनन अंग होते हैं उनमें जो जनन कोशिका होती है वह अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से स्प्लिट होकर विभाजित होकर स्पर्म बनाती है। तो स्पर्म जब बनते हैं तो इसमें ये जो गुणसूत्र की संख्या है ये आधी हो जाती है, ये 23 जोड़ी से ये जो गुणसूत्र हैं ये आधे हो जाते हैं। इसमें ये 23 जोड़ी में इसलिए हैं क्योंकि किसी मनुष्य में एक उसके मातृ गुणसूत्र होते हैं और एक उसके पितृ गुणसूत्र होते हैं। स्पर्म के माध्यम से उसके पितृ गुणसूत्र आते हैं किसी संतान में और एग के माध्यम से मातृ गुणसूत्र आते हैं किसी संतान। मतलब जो संतति उत्पन्न होती है वह मेल और फीमेल के मिलने से होती है। तो जो मेल होता है उससे स्पर्म के माध्यम से जो मेल के 23 गुणसूत्र आते हैं और एग के माध्यम से फीमेल के
23 गुणसूत्र आते हैं, जिसमें फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आता है और मेल के एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता है और वाई क्रोमोसोम भी आ सकता है, प्लस 22 आते हैं इसके ऑटोसोम मतलब अलिंग गुणसूत्र आते हैं। इस डायग्राम से हम समझ पाएंगे कि कैसे एक कोशिका, जनन कोशिका, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन। इस डायग्राम को देखें, इसमें जो मेल है उसमें जो जनन कोशिका है डिप्लॉयड जर्म सेल होती है उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल में एक 23वें जोड़े में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जब यह कोशिका स्प्लिट होती है, जब इसमें विभाजन होता है, तो आधे क्रोमोसोम एक स्पर्म में चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम इस स्पर्म में चले जाते हैं। ये जो जोड़े होते हैं, जो ये जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ये एक अलग चला जाता है स्पर्म में और एक ये अलग चला जाता है। तो इस तरह से ये जोड़े जो हैं बिछड़ते हैं इसमें। इसमें मातृ गुणसूत्र अलग हो जाता है, पितृ गुणसूत्र अलग हो जाता है। इसको जब आप अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं ये मातृ और पितृ गुणसूत्र, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो 23 क्रोमोसोम इस स्पर्म में चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम इस स्पर्म में चले जाते हैं। इस दौरान इसमें जो लिंग गुणसूत्र है इसका भी विभाजन होता है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम किसी स्पर्म में जा सकता है, वाई क्रोमोसोम किसी दूसरे स्पर्म में जा सकता है। मतलब यहाँ पर स्पर्म दो प्रकार के मिलेंगे हमें, एक एक्स क्रोमोसोम से युक्त होगा और एक वाई क्रोमोसोम से युक्त होगा। फीमेल में मगर दोनों ही क्रोमोसोम समान प्रकार के होते हैं, दोनों ही ये समान होते हैं, तो विभाजन कैसे भी हो लेकिन एग एक ही प्रकार का मिलेगा, जिसमें लिंग गुणसूत्र हमेशा एक्स ही होगा, वाई होता नहीं है क्योंकि फीमेल में। तो इस तरह से ये हम अच्छे से समझ लें कि फीमेल में हमेशा दोनों गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं। तो जब भी लिंग गुणसूत्र जो हैं एग में या स्पर्म में जिस प्रकार के भी होते हैं, उन्हीं के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। ये स्पर्म में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यही लिंग को निर्धारित करते हैं, क्योंकि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार डीएनए है वो इन्हीं गुणसूत्रों में उपस्थित होता है, इन्हीं 23वें जोड़े में जो गुणसूत्र हैं उन्हीं में उपस्थित होता है। बाकी ये जो गुणसूत्र हैं इनमें जो डीएनए है ये इस नर या इस मादा में ये जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम हैं इनमें जो डीएनए होता है ये इनमें देहक लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे उसमें आँख का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, बाल कैसे होंगे उसमें, उसके उसका जो बाकी लक्षण है जो देहक लक्षण है उसकी वंशागति के लिए जिम्मेदार जीन होते हैं इन 22 जोड़ी क्रोमोसोम में। और जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है डीएनए, इसमें केवल लैंगिक लक्षणों की वंशागति के लिए जीन होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिंग निर्धारण में क्या होता है कि जब स्पर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स गुणसूत्र युक्त हो सकते हैं या वाई गुणसूत्र युक्त हो सकते हैं, 22 इसमें ऑटोसोम होंगे, ठीक है, वाई के साथ में 22 ऑटोसोम होंगे या एक्स के साथ में 22 ऑटोसोम होंगे। स्पर्म दो प्रकार के हैं, तो यहाँ पर स्पर्म होगा एक्स प्लस 22 ऑटोसोम या फिर वाई प्लस 22 ऑटोसोम, दो प्रकार के स्पर्म होंगे। एग एक ही प्रकार का मिलेगा, एक्स प्लस 22 ऑटोसोम। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो जब वाई स्पर्म निषेचित करेगा एग को तो इसमें जो युग्मनज से संतति उत्पन्न होगी वह मेल संतति उत्पन्न होगी, लेकिन जब एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म जब निषेचित करेगा एग को तो युग्मनज से संतति उत्पन्न होगी वह फीमेल उत्पन्न होगी। तो इस तरह से ये लिंग निर्धारण होता है किसी मेल या फीमेल का लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से, ठीक है। लिंग गुणसूत्र में अगर एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल उत्पन्न होता है, और वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो मेल उत्पन्न होता है। ये वाई क्रोमोसोम हमेशा पिता से ही आता है, नर से ही आता है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। अर्थात लिंग निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेल की, नर की, महिला का इसमें कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये लिंग निर्धारण वाला चैप्टर, ठीक है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।